बिग बॉस की प्रीमियर नाइट पर कुछ ऐसा हुआ जिसका रिएक्शन अभी तक मिल रहा है। जी हाँ, प्रीमियर नाइट को 2 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं कि फैंस तो भड़क रहे ही हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस की बुरी तरह से बैंड बजा रहे हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बड़ी सी अपडेट। जी हाँ, इस वक्त आप ये ट्वीट देख रहे हैं, अभी दिखाती हूँ, इस वक्त आप ये ट्वीट देख रहे हैं। सो ये जो बड़ा सा ट्वीट है, ये लिखा है लक्ष्य चौधरी ने। क्या कुछ उन्होंने लिखा है फुकरा इंसान के लिए। देखिए, अभिषेक मल्हान जब आए, ऑफ कोर्स एक मिशीवियस सी स्माइल है उनकी, प्यारी सी, यू नो, उसी के साथ साथ देखो, जाहिर सी बात है, जब सलमान खान के सामने और बिग बॉस के स्टेज पर आप खड़े हैं तो आप ऐसे तो नहीं रह सकते कि हाँ ठीक है, जो करना है कर लो, ये वो, ऐसे तो नहीं कर सकते यार, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी एंटरटेनिंग। जब शहनाज आई थी तब तो किसी ने ये नहीं कहा था कि शहनाज हवाबाजी कर रही हैं, शहनाज बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लग रही हैं। लेकिन अभी अभिषेक को देखकर पता नहीं अचानक से क्यों ये जजमेंट जो है लोगों ने बना लिया है। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। सो अभिषेक मल्हान की जो पर्सनालिटी है इस वक्त, वो अभी फिलहाल अगर यूट्यूबर को दिमाग से मैंने निकाल दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को इस वक्त जज कर रही हूँ उनके 2 दिन के बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड जरूर थे, लेकिन क्या उसमें हवाबाजी थी कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये मुझे नजर नहीं आया। इस वक्त लक्ष्य चौधरी का भी यही कहना है, वो कहते हैं अ लिटिल लेट बट आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग बिग बॉस प्रीमियर एंड द वे इररेलीवेंट जजेस इज अ बिग डायलॉग, इज अ बिग वर्ड, ट्रीटेड फुकरा इंसान मेड मी एंग्री, कॉन्फिडेंस को नकली हवा बोल रहे हो बुढ़े अंकल, मैन दीज गाइज डोंट इवन हैव 1% आइडिया अबाउट द पावर ऑफ इंटरनेट एंड क्रिएटर्स। यानी कि इंटरनेट की शक्ति जो है, इंटरनेट की पावर जो है, जो हम क्रिएटर्स की कैपेबिलिटीज है, इसको काफी ज्यादा मिसजज जो है अंकल ने कर लिया है, ऐसा उनका कहना है। और कहीं ना कहीं क्लियरली उन्होंने ये बात कह दी है कि जस्ट बिकॉज कि आप किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हो, डजंट सी, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ये कहना इस कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, बाकी जितने आ रहे हैं सब बेवकूफ़ हैं। अगर फुकरा इंसान ने ऐसा कुछ कहा होता तो शायद आप कह सकते थे कि वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर की एक्साइटमेंट, उनके अंदर की नर्वसनेस, उनके अंदर की क्रेजीनेस जो है वो स्टेज पर नजर आई, बट वो कहीं से भी किसी भी एंगल से वो ऐसा नहीं था कि आप बहुत घमंडी लग रहे हैं, आपके अंदर हवा है, हवाबाजी है, तो ये मुझे तो पर्सनली नहीं लगा। और लक्ष्य की बातों से मैं तो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रही हूँ, अग्री कर रही हूँ। आपकी इस वक्त बारी है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखो, आप लोग कॉमेंट्स करोगे तो आपके कॉमेंट्स की उतनी वैल्यू होती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्प्रेड होती हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो अगर आपको सही लग रही है मेरी बातें, और उसी के साथ साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके हिसाब से क्या लक्ष्य ने जो भी कहा है, पावर ऑफ इंटरनेट, पावर ऑफ सोशल मीडिया क्रिएटर्स, क्या अग्री करते हैं उस बात से, बताइएगा।